हिमाचल के बाद अब देखिए गुजरात एक बार फिर से बदलता हुआ 119 का रुझान मिले। शुरुआती रुझान 182-91 भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 25 बहुमत के करीब, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब, कांग्रेस 25 आम आदमी पार्टी 3 आदर्श शून्य। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने हैं, जरा ध्यान से देखिए। लेकिन ये पोस्टल बैलेट से बहुमत, ये देखिए आप, कांग्रेस 25 पर है, बीजेपी 21 पर है, आम आदमी पार्टी 3 पर है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस आगे निकल गई है पहली बार 20, बीजेपी 18। तो मतलब क्या ये एग्जिट पोल की तरह आगे बढ़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एकदम क्लियर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या ऐसे ही दिखाई देगा? और उधर हिमाचल में क्या क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया, 18-20 दिखाई दे रहा है, 38 का रुझान मिले 68 में से। लीजिए गुजरात बहुमत 92 का है। कक्कर बापा नगर से बीजेपी के कंचन बेन आगे, कक्कर बापा नगर कंचन बेन भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन यहाँ देखिए गुजरात बहुमत 92 भारतीय जनता पार्टी 91 पर पहुंची, 129 का रुझान मिले 182 में से, बहुमत पार कर गई है। गुजरात में पोस्टल बैलेट में बीजेपी 100 शतक मारा भारतीय जनता पार्टी ने, शुरुआती रुझान अपने पिछले नंबर को क्रॉस किया बीजेपी ने, पोस्टल बैलेट से बीजेपी 100 लेकिन बहुमत के पार, कांग्रेस 26 आम आदमी पार्टी 3, बीजेपी 100 पर आ चुकी है गुजरात में, पोस्टल बैलेट ही सही लेकिन बीजेपी। हिमाचल देखिए 2020 हो गया, हिमाचल 2020 40 के आए, ये लीजिए भारतीय जनता पार्टी 20 कांग्रेस 20, ये होता है नेक टू नेक, भारतीय जनता पार्टी 20 कांग्रेस 20, ऊपर देखिए टैली बदली 138-182 में से, भारतीय जनता पार्टी 107 कांग्रेस 28 आम आदमी पार्टी 3-10 ने खाता नहीं खोला। क्या बीजेपी अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ेगी? गुजरात के राजकोट ईस्ट से बीजेपी के उदय कांगड़ा के, गुजरात राजकोट ईस्ट भारतीय जनता पार्टी उदय आगे, गुजरात राजकोट ईस्ट उदय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे। दिनेश बीजेपी 107, क्या भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी 107 गुजरात में, कांग्रेस 28 आम आदमी पार्टी 3, और यहां पर जैसा, और ये चल कांग्रेस 20-30 हो चुका है, आम आदमी पार्टी 3, पोस्टल बैलेट से इनिशियल रुझान है, बीजेपी 107 क्रूजिंग कंफर्टेबली। लेकिन नरेंद्र का रिकॉर्ड तब तोड़ेंगे जब 127 से आगे हम बढ़ते हुए उनको देखेंगे। फिलहाल भूपेंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं 107 पर भारतीय जनता पार्टी 107। इधर देखिए हिमाचल में 20 से 21 हो गई, 21 हो गई क्या कांग्रेस? 41 में से कुल रुझान जो मिले हैं 20 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 21 पर, ऊपर टैली बदल गई निशान 107-30 और आम आदमी पार्टी की। बिग ब्रेकिंग, गुजरात के बंसड़ा से कांग्रेस के अनंत कुमार आगे, गुजरात बंसड़ा कांग्रेस के अनंत कुमार आगे। लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने है, बीजेपी 107 कांग्रेस 30 आम आदमी पार्टी 3, ये बड़ी खबर है। गुजरात में बीजेपी के सभी बड़े नेता आगे चल रहे हैं, गुजरात में बीजेपी 109 कांग्रेस 30 आम आदमी पार्टी 3, और हिमाचल का हाल। और अगर यहां पर अभी इसी जगह पर आप गुजरात के विधानसभा को देखने की कोशिश करें रुझानों के हिसाब से, बिग ब्रेकिंग गुजरात के 84 से बीजेपी के संदीप देसाई आगे, 84 सबसे ज्यादा विधानसभा, सबसे ज्यादा वोटर्स वाली, 5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं यहाँ, 84 के बारे में ब्रेकिंग के बाद, ऊपर देखे टैली बदलती हुई 100